नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज जो अप्रैल वाले जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं, जो एनएस 2022 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट मैं एनएस की तरफ से लेकर आया हूं, एक ऑफिशियल जो नोटिस आप सबके लिए रिलीज़ किया गया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर से देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको जो है नोटिस दिखला देता हूं और उसके बाद जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आप सबके लिए। तो जैसे कि आप सब यहां पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एनएस की तरफ से ये जो ऑफिशियली नोटिस जो रिलीज़ किया गया आप सबके लिए, 27 तारीख को आप सबके लिए नोटिस रिलीज़ किया गया था। और इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ये हिंदी में है और जिस बच्चे को हिंदी में समझ आता है वो हिंदी में समझ सकता है और जिस बच्चे को इंग्लिश में समझ आता है वो इंग्लिश में भी समझ सकता है। दोनों ही इसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और इन दोनों में ही सेम चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखला देता हूँ। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि आज स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर पेंटिंग विल बी हेल्ड ऑन 4th में। जैसे कि आप सबको पता है, काफ़ी सारे बच्चों के जो डाउट आए थे, कमेंट्स आए थे और साथ में कईयों ने मैसेज भी किया था मुझे कि उनके जो पेंटिंग का जो एग्ज़ाम है वो मिसमैच हो रहा है, मतलब जो एनएस ने डेट शीट रिलीज़ की थी उसके हिसाब से अलग है और जो उनके एडमिट कार्ड पे है उसके हिसाब से अलग है। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको जो है किस डेट को एग्ज़ाम देने जाना है। तो इस हिसाब से जो है कई बच्चे जो एग्ज़ाम देने गए, कई बच्चों जो है एग्ज़ाम देने ऑन टाइम नहीं जा पाए क्योंकि उनकी जो डेट शीट थी, जो एडमिट कार्ड में डेट शीट थी वो थोड़ी सी अलग थी, तो इस वजह से जो है उनके एग्ज़ाम जो है छूट गया। तो कुछ जो बच्चे जो छूट गए थे जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, स्पेशल एग्जामिनेशन उनके लिए रखा गया है पेंटिंग का 4 मई को जो आपके सेम टाइमिंग होती है उसी में आप जा सकते हैं और आपका जो स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर कौन सा पड़ेगा वो जो है आपके लिए सेम रहने वाला है, जिसमें आप जो है अब तक एग्ज़ाम देते हुए आए हैं, जितने भी अपने एग्ज़ाम दिए हैं, जिस एग्ज़ाम सेंटर में आप गए थे अभी तक, उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपका जो है पेंटिंग का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का मिस हुआ था ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है और जो सबके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। साथ में देख सकते हैं एनएस ने खुद ही यहाँ लिख दिया है कि हु मिस द एग्ज़ाम, मतलब जिस भी बच्चे ने एग्ज़ाम मिस किया है उसके लिए ये जो है लिखा गया है। साथ में देख सकते हैं 23 अप्रैल की जो डेट चेंज हो गई थी उसकी वजह से ये सब हुआ और देख सकते हैं ये यहाँ पर भी लिखा गया है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द सेम एग्जामिनेशन सेंटर विच वॉज अलॉटेड अर्लियर, मतलब उसी एग्जामिनेशन सेंटर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आपको पहले एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया था। और देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर लिखी गई है कि आपको जो है होल टिकट एडमिट कार्ड जो है दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपसे हम यहाँ देख सकते हैं द होल टिकट फॉर पेंटिंग सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स डैशबोर्ड, मतलब जो है आपको जो है दोबारा से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना पड़ेगा एनएस के स्टूडेंट्स को, एनएस के स्टूडेंट्स को अपना एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करके उनके डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने एनरोलमेंट नंबर से और पासवर्ड वगैरह से, आपको जो है आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा और डैशबोर्ड के अंदर आपको जो है नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो है आपका पेंटिंग का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिखी गई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड ऑन 23rd April 2022 नीड नॉट एंड विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन 4th May 2022, मतलब आपको जो है दोबारा से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। जो भी बच्चे 23 मई को चले गए थे अपने एग्ज़ाम देने उनको दोबारा एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं जिनका एग्ज़ाम छूट गया था उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जाने उसकी तरफ से बात करके जो है काफ़ी सारे हम लोगों ने जो है आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन निकाली और आपको जो है ये मौका मिला कि आप जो है आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन भी बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो मिस हो गया था। और इसी में मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एनएस की तरफ से कहा गया है कि आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट से रिगार्डिंग जो है बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है, तो चैनल पर बने रहना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जैसे ही एनएस की तरफ से अपडेट आएगी आप सबके लिए आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो रिजल्ट से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप सबके लिए, आपके कुछ चेंजेस होंगे रिजल्ट में, वो भी आपको इस चैनल पर इस आपके लिए वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।